हाँ दोस्तों, मेरा नाम देवदत्त अग्रवाल है, आप देख रहे हैं इससे टेलीकॉम। अगर आपने सब लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मैं पहले बता दूं कि वीडियो को जितना हो सकता है लाइक कीजिए। जितना अच्छा लाइक मिलेंगे, अब एक दिल एक बदल चुका है, अब हमने लगा कि अब आपको सोल्यूशन देना हम चालू करें। तो अगर आप जितना लाइक करोगे, हम उतना ही आपको नए नए सोल्यूशन देते जाएंगे। यहाँ पे आपको एक मोबाइल है, इसमें ये पावर एक MI का फ़ोन है, इसमें मैं एक पावर AC लीकेज है, बेसिकली शॉर्ट नहीं बोलूँगा क्योंकि बटन दबाने के बाद में वो शॉर्ट हो रही है, तो वो लीकेज है। हम इसको चेंज करेंगे वन टाइम। और यहाँ ये जो वीडियो है, ये वीडियो स्टेंसिल के ऊपर है, क्योंकि जितने लोग स्टेंसिल पे वीडियो तो बना लेते हैं पर उसको रिवॉल्व करके नहीं दिखाते, तो मैंने सोचा कि एक प्रैक्टिकली आपको एक स्टेंसिल पे रिवॉल्व करके दिखाऊं, ताकि आपको पता चले कि वो रिवॉल्विंग सक्सेसफुल हुई कि नहीं हुई। वो IC रिवॉल्विंग करने के बाद वो IC लगाने पर वो सेट चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये भी बता दूं, ताकि आप कल को एसर टेलीकॉम आ रहे हैं सीखने तो आपको ये तो पता चले कि हाँ, यहाँ के लोगों को काम आता है। हालांकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चैनल देख रहे होंगे, और जितने भी ये देख रहे हैं, नए सब्सक्राइबर जो देख रहे हैं, वो सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दें, बेल आइकन दबा दें, सबसे पहले आपको वीडियो मिले। बहुत पहले, मेरे ख्याल से 2 साल पहले मैं ये सब बोलता था, अब बोलने की आदत खत्म हो गई, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, बेल आइकन घंटे का दबा दीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें और आप अपडेट मिलता रहे। हमारा एक और चैनल है दोस्तों, यहाँ पर जो मेरा दूसरा चैनल है वो देवरत्न अग्रवाल है, उस पर जाइए, मेरा नाम लिखिए देवरत्न अग्रवाल एसर टेलीकॉम, आपको मेरी फोटो वाला चैनल मिलेगा। सो उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, उस पर भी हर मिनट हर पल एक वीडियो आता है। तो यहाँ पर ये जो वीडियो मैंने बनाया, ये मैंने कुछ इस तरीके से स्टेंसिल्स को बताने के लिए कि जो मार्केट में स्टेंसिल के इस तरह से सेट आ रहे हैं, ये मैंने ख़रीदा है अभी। और ये जो स्टेंसिल्स जो मैंने परचेस किए हैं, ZX मलिक से परचेस किए हैं, मलिक सर का नंबर नीचे मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपको जो भी परचेस करना है, ये पूरा की पूरा बॉक्स जिसमें 43 स्टेंसिल्स और विथ यूनिवर्सल स्टेंसिल्स जो मैंने यहाँ से उठाई, ये देखिए, ये यूनिवर्सल स्टेंसिल्स है, यूनिवर्सल स्टेंसिल अभी मैंने इसमें यूनिवर्सल स्टेंसिल है, तो इसके अलावा भी बहुत सारी स्टेंसिल्स है इसमें। और यहाँ पर यूनिवर्सल स्टेंसिल भी आपको देखिए कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगी यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम हो जाता है इससे। और भी ये सोर्सेस में ये मिल सकती हैं, और भी जगह पे मिल सकती है, पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ZX मलिक से परचेस करें, क्योंकि वो एक फेथफुल है, आपको जो वो खरीद रहे हैं, वो जो दे रहे हैं, वो वही चीज़ देंगे जो उनके पास है। वो यहाँ पर वो नहीं करेंगे कि आपको बेच भी दिया, आपसे पैसे भी ले लिए, फिर बाद में बोला प्रोडक्ट खत्म हो गया या जो भी है, तो मुझे लगता है कि जेन्युइन चीज़ वो यहाँ पे बेचेंगे। तो ये पूरा पैक लीजिए एक बार में, फुर्सत हो जाइए, फिर आपको लाइफ, मेरे को नहीं लगता है कि अभी के जो अपडेट चल रहे हैं फिलहाल 6 महीने तक या 8 महीने 1 साल तक आपको कोई दिक्कत जाएगी, क्योंकि इसमें सारे कॉलकम का PM1 PM2 PM3 MTK का MTK 1 2 3, उसके CPU का, कॉलकम के CPU का, हाई सिलिकॉन सैमसंग के, और क्योंकि वीवो ओप्पो कॉलकम और MTK में ही बटे हुए हैं, तो सारे वो अलग भी दिए हुए हैं, कुछ वीवो अलग दिए हुए, कुछ ओप्पो अलग दिए हुए हैं, तो वो आपको इसमें मिल जाएंगे, यूनिवर्सल्स आपको मिल जाएंगे इसमें, तो बहुत अच्छी है। और जो इसमें आप ब्रांड पूछ रहे होंगे मेरे से कि कौन सा ब्रांड है, तो ये ब्रांड आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर कोई पर्सनल ब्रांड नहीं है, ये कोई सा भी ब्रांड हो सकता है, ये GSM सोर्स भी हो सकते हैं, ये मैकेनिक हो सकते हैं, ये काइंडली हो सकते हैं, ये वोल्सोलो हो सकते हैं, ये बहुत सारे ब्रांड, WL हो सकते हैं, ये बहुत सारे ब्रांड हो सकते हैं दोस्तों, ये MU हो सकते हैं, कोई सा भी ब्रांड हो सकता है। आप ब्रांड्स आप सेलेक्ट करेंगे, 43 का सेट आपको मिलेगा। अभी बहुत सारे स्टूडेंट में सब पूछ रहे थे कि सर हमको स्टेंसिल्स कौन सी लें, कौन कौन सी स्टेंसिल अभी रनिंग चल रही है, तो वो लोग कंफ्यूज रहते हैं इस चक्कर में, क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि चलिए ठीक है ये ले लो वो ले लो, तो पता चला कोई तीसरा मोबाइल आया और उसकी स्ट्रेंथ नहीं मिली, और यूनिवर्सल में भी काम नहीं कर रही है, तो ये भी हो सकता है दोस्तों। तो इस इंडस्ट्री में आपको बैकअप तो लेके चलना पड़ेगा, तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने एक मोबाइल की फुल शॉर्टिंग भी निकाली है, इसको प्रैक्टिकली मैं बताया है कि स्टेंसिल किस तरीके से वर्क करते हैं, कैसे रिवॉल्व किया और कैसे निकाल के सेट को चालू किया। तो दोस्तों सब्सक्राइब करो, दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करो, अगर आपको हमारे यहाँ पढ़ने आना है तो नीचे दिए नंबर पर कॉल करो, कॉल 12 और 5 बजे के बीच में कीजिए प्लीज़, मंडे और सैटरडे के दौरान ही कॉल कीजिए, आपके कॉलों का सारा जवाब दिया जाएगा। SMS मत कीजिए, कॉल कीजिए, डायरेक्ट कॉल का ही जवाब लीजिए,
और आईफोन ज्वाइन करना है हमारा 15 फरवरी, 15 मार्च का आईफोन ज्वाइन करना है हमारा, 15 मार्च का बैच है, आपको मिल जाएगा। सो आइए, एक बार मौका दीजिए और देखिए कि क्यों एसर टेलीकॉम इंडिया का और आने वाले अभी एशिया का नंबर वन बनने वाला है। थैंक यू वेरी मच। देखिए दोस्तों, ये बताने के लिए मेरे पास एक मोबाइल है और ये एक MI का मोबाइल है जिसमें ये पिलियन लगी हुई है और ये हाफ स्टार्टिंग है। तो जैसे ही देखिए, यहाँ मेरा प्लस और यहाँ मेरा माइनस लगा हुआ है और यहाँ पर मैं पावर की इसको प्रेस कर रहा हूँ, तो जैसे ही ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, मतलब यहाँ पर स्टार्टिंग जा रही है और जो एम्पियर ले रहा है ये 1 एम्पियर अप्रॉक्स ले रहा है। तो इसकी पावर है, इसी को चेंज करते हैं और इसकी स्टेंसिल, जो मैं स्टेंसिल बता रहा हूँ, स्टेंसिल पे हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये जो पावर IC है ये लीकेज हो रही है, इसकी वजह से ये आपको फॉल्ट जा रहा है। मैं आपको इसको एम्पियर में दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ एम्पियर में दिखाने की। ये देखिए, तो आपको यहाँ पर एम्पियर दिख रहा होगा कि कितना ले रहा है और ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट ये एम्पियर, अच्छा डायरेक्ट नहीं ले रहा है, ये आपका पावर की प्रेस करने पर ले रहा है, आपका पावर की प्रेस करने पर ले रहा है। तो हम इसकी लाइन को चेक करते हैं। तो फर्स्ट हम इसकी लाइन को चेक करेंगे, इसकी पावर की लाइन को चेक करेंगे क्योंकि इसकी पावर की लाइन भी शॉर्ट हो सकती है। सेकेंडरी फिर इसकी पावर IC को चेंज करेंगे। तो चलिए, ये सर्किट पे आ गया हम। अब हम इसकी पावर लाइन को एक बार चेक कर लेते हैं कंटिन्यूटी मोड पे। हमने अपने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे रखा हुआ है और सबसे पहले मैं इसको डायोड मोड पे रख रहा हूँ। कंटिन्यूटी मोड और डायोड मोड दो अलग अलग मोड होते हैं, आपको बेहतर तरीके से समझना है क्लासेस ज्वाइन कीजिए। बहुत सी चीज़ें मैंने बोला कि आप YouTube से डायरेक्टली सब कुछ तो सीख नहीं सकते हैं, फिर भी हम प्रैक्टिकल वीडियो डालते हैं उन दोस्त उन भाइयों के लिए, स्टूडेंट के लिए जो निकलने ही नहीं चाहते घर से। तो इसका मतलब ये है कि इधर रेजिस्टेंस मिल रहा है पर ये बहुत ज़रूरत से ज़्यादा मिल रहा है, एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस मिल रहा है जो कि लीकेज मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है और यहाँ पे मुझे ग्राउंड मिलना चाहिए। ये देखिए, इसके साथ में ये सप्लाई लगी हुई है, एक टेस्टिंग पॉइंट, एक डायोड लगा है, एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर लगा है, 1K का एक रजिस्टर है ये, 1K का एक रजिस्टर है। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं इसकी सप्लाई को। ठीक है, सप्लाई उतनी मिल रही है। हाँ दोस्तों, अब तो इसकी जो लाइन है, लाइन में तो शॉर्टिंग नहीं है। एक बार यहाँ पर कंपोनेंट चेक करते हैं कि यहाँ पर कंपोनेंट का क्या फॉल्ट है, क्योंकि डायरेक्ट हम पावर IC तो नहीं बोल सकते, पर फिर भी हम पावर IC उठाएंगे यहाँ पर। बूस्ट कॉइल बक लाइन पे भी हमारी जो लाइन है, बक लाइन और हमारी बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो देखा जाए तो इसके आसपास तो मेरे को कोई भी शॉर्टिंग नहीं दिखी है और कोई सप्लाई लाइन भी ओपन नहीं है, फिर तो ये IC का फॉल्ट हो सकता है। तो चलो दोस्तों, एक बार ये IC उठाते हैं डायरेक्टली। Thank you.
जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने ही मैंने ऐसी तारी है क्लीन है। जैसे कि आप देख सकते हैं पैड बिल्कुल क्लीन है और यहाँ पर जो शॉर्टिंग वाले वो थे वो एक्चुअल में मिले हुए बॉल है, मतलब वो कनेक्टेड है दोनों से। तो ये मेरे पास दूसरा बोर्ड है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये मेरे पास दूसरा बोर्ड है, तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। अगर ये चालू होगा तो भी इससे हम निकाल लेंगे आईसी। बाद में फिर मैं इसमें आईसी परचेस करके इसमें लगा लूंगा दूसरी। हाँ तो दोस्तों ये बिल्कुल वर्किंग बोर्ड है मेरा, ठीक है। तो चलिए इसी के आईसी निकाल के लगाते हैं। तो ये मेरा बिल्कुल वर्किंग बोर्ड है। अब इस आईसी पे काम करते हैं। सबसे पहले इस आईसी को क्लीन करेंगे। जो मेरे स्टूडेंट देख रहे हैं वो सबसे बड़ी जो गलती करते हैं, मैं वो अभी यहाँ बताऊंगा तो नहीं, बट इस वीडियो को देखते रहिए, हो सकता है कि आप समझ जाए कि मैं किस गलती की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत सारी स्टेंसिल्स ही स्टेंसिल्स है मेरे पास, और ये ज़्यादा अच्छा है। अभी की डेट में हम सारे स्टूडेंट को ये सारी स्टेंसिल परचेस करना है। आपको ZS मलिक का नंबर सो हो रहा होगा, तो यहाँ पर मैं जो स्टेंसिल यूज़ करूँगा वो यूज़ करूँगा। ये मेरा यूनिवर्सल स्टेंसिल है, हालांकि क्योंकि ये बहुत सारी स्टेंसिल है इसमें, इसकी PM की, सिंगल PM की भी स्टेंसिल है, तो मैं यहाँ पे ये भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कॉलकम PM, और यहाँ पे इस IC का भी नंबर है, और मुझे इससे भी इसको रिवॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। पर हमें यूनिवर्सल से रिवॉल्व करना आना चाहिए सब तरह की ICs, क्योंकि बाकी ICs अगर हमें पता चलता रहता है कि कॉलकम में या MTK या किसी भी मोबाइल में हम अगर इससे हम रिवॉल्व कर रहे हैं, तो बाद में कभी अगर सेम अगर कोई डिवाइस आया या उसका एक दो सीरीज ऊपर नीचे हुआ है, तो हम इससे भी रिवॉल्व करके देख सकते हैं उसके IC के स्ट्रक्चर को, हम अंदाज़ा लगा के हाँ कि इसमें रिवॉल्व हो जाएगा। तो मैं यूनिवर्सल इसमें रिवॉल्व करूँगा इसको। आप इससे और बेहतर स्टेंसिल आप मंगा सकते हैं। आप मैकेनिक की मंगा सकते हैं, आप जीएसएम सोर्स की मंगा सकते हैं।
लेके, तो इससे रिवॉल्व करते हैं हमारी इस आईसी को, देखेगा। तो चलिए हम आगे स्क्रीन पे, ये हमारी स्टेंसिल रिबॉलिंग, तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो मैच करेगा वो प्रॉबली ये जो सीरीज है ये मैच करनी चाहिए हमारी, देखिए मैच करेगी बाकायदा पूरी तरीके से। ज़्यादातर ये जो रिवॉल्विंग में जो सीरीज है ये वाली जो एमटीके में ये पीएम पावर को पूरा ये मैच कर लेते हैं, इससे एमटीके के सीपीयू भी रिवॉल्व हो जाते हैं। चलिए आपको इस तरह से दिखाऊं कि डीसी मशीन भी दिखे आपको। तो देखिए यह हमने प्लस पे प्लस और माइनस पे माइनस लगा के रखा हुआ है, और अब जैसे ही मैं पावर की दबाऊंगा तो देखिए फोन मेरा नॉर्मल बूट कर रहा है, 20 के ऊपर जाना चाहिए, देखिए नॉर्मल बूट कर रहा है मेरा फोन।
कहाँ मेरा फोन डायरेक्ट 9 पे चालू हो रहा था, अब मेरा फोन नॉर्मल बूट कर रहा है। तो दोस्तों ये जो वीडियो बनाया है, एक्चुअली ये वीडियो आपको चले शॉर्टिंग पर भी दिखा दिया, पर इस वीडियो बनाने का जो पर्पस था वो पर्पस आपका रिबॉलिंग से संबंधित, मतलब ये स्टेंसिल बताना था कि ये स्टेंसिल देखिए मैंने आपके सामने इस स्टेंसिल से मैंने रिबॉल किया। मैं आपको इस स्टेंसिल का नाम नहीं बता रहा हूँ, ये बोल सोलो की स्टेंसिल है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यही लो, मैं बोल रहा हूँ स्टेंसिल्स आपकी बेस्ट होगी, अच्छा काम होगा। और अगर आपको लेना है तो नीचे आप इस पर लिंक देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए इसको ऑन करते हैं, हो सकता दोस्तों इसमें लाइट नहीं आएगी क्योंकि इसका जो मेन कैपेसिटर है वो नहीं है, तो मे बी हो सकता है इसमें लाइट ना आए। और तो मैं पहले से बता दे रहा हूँ, तो ये लाइट का ये कैपेसिटर मैं बाद में लगा लूँगा। ऑलरेडी हम इस पर बहुत वीडियो बना चुके हैं, हमने जैसे कहा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना, नए नए जितने भी हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखिए तो ये MI का लोगो आ गया, यहाँ एंड्रॉयड नीचे लिखा आएगा। तो जैसे कि आपने देखा इस साइड में अभी मैंने पावर लगाई थी, और इससे पहले मैं बताया था कि पावर यहाँ पर शॉर्ट थी, सो पावर यहाँ पर लगा दी जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर MI का, और यहाँ पे नीचे एंड्रॉयड आ जाएगा। सो इसका मतलब ये, हालांकि मैं इसको पूरा चालू, देखिए MI का लोगो लाइट डिम है, ना के बराबर मान के चलिए इसको, क्योंकि इसमें लाइट सेक्शंस में जो मेन फिल्टर कैपेसिटर वो नहीं लगा है। तो आई होप ये देखिए आ गया, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? आप ही लगा कि प्रॉपर में आप, थैंक यू सो मच।